दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बिहार के लिए अच्छी खबर, जमीन के मापी में अब नहीं होगी एक इंच की भी गड़बड़ी। नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में अब जमीन के मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराई जाएगी। बिहार में जमीन की मापी ATS डिजिटल मशीन से कराई जाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार 42,46,00,000 की ATS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है। गौरतलब कि बिहार में लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों समस्याएं सामने आई है। बताया जा रहा कि सरकार जो नया वाला ATS मशीन खरीदने जा रही है इससे कोई विवाद नहीं होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मापन प्रक्रिया में अमीन मशीन को किनारे कर खड़ा कर मापी किए जाने वाले खेत के किनारे पर फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेगी और फ्रिज में से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। इसमें GPS का भी उपयोग मापी के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकती है। बड़ी खबर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर होगी पंचायतों की मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के निर्देश अनुसार इस बार पंचायत चुनाव के मत की गिनती लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मतगणना के तर्ज पर जिला स्तर पर एक ही जगह होगी। पंचायत चुनाव के बाद मतगणना की यह नई व्यवस्था पहली बार लोगों के सामने आने वाली है। पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए जिले के सभी प्रखंडों के होने वाले मतदान के बाद मतों की गिनती जिला मुख्यालय में बाजार समिति के प्रांगण में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत होगी। मतदान के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन मतगणना होगी और चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दलों का झंडा बैनर लहराने पर होगा एक्शन, जुलूस निकालने से पहले करना होगा ये काम। जी हां, पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन वे प्रचार में अपनी पार्टी के झंडा या बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर निर्वाचन आयोग वैसे प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करेगी और उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के जुलूस की वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने किसी भी जुलूस के लिए शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय वह स्थान पर समाप्त होगा यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्वाचित पदाधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी। चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक की रोजाना वृद्धि हो सकती है। आगामी 1 अक्टूबर से इस वृद्धि का लाभ बिहार के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिल सकेगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है, उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। बड़ी खबर, पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेश परीक्षा 25 और 26 सितंबर को। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। पॉलिटेक्निक व पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं पारा मेडिकल इंटर स्तरीय व पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टूडेंट पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम और 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए bcc.bihar.government.in पर 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, बिहार में मोबाइल ऐप से होगी मिड डे मील की निगरानी। स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर। बिहार में स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विभाग की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल के ऐप से की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और किचन में सफाई तथा बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए नियमित रूप में निरीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो स्कूल काम में बेहतर पाया जाएगा सरकार उसे पुरस्कृत भी करेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में तैयार होगा बीमारी का डेटा बैंक। अब हर घर का होगा फैमिली फोल्डर। 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की दर्ज होगी मेडिकल हिस्ट्री। जी हां, बिहार सरकार बीमारियों का डेटा बैंक तैयार करा रही है। इसके लिए हर घर का फैमिली फोल्डर तैयार किया जाएगा। यह डेटा एक बेस होगा जिसमें हर परिवार में 30 साल से ऊपर के सदस्यों का पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। गंभीर बीमारियों से बचाव को लेकर तैयार डेटा कलेक्शन के विशेष मॉडल से कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और हृदय रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बीमारियों के डेटा बैंक सामने आने के बाद फिर इस पर सरकार हेल्थ प्रोग्राम चलाएगी। आपको बता दें कि बीमारी के विशेष डेटा बैंक को तैयार करने और बिहार में हेल्थ के बड़े सर्वे को लेकर आशा को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में स्पुतनिक वी के दूसरे सेंटर का उद्घाटन। दरभंगा में खुला उत्तर बिहार का पहला स्पुतनिक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। 1200 रुपए में लगेगा पहला डोज। जी हां, दरभंगा शहर के मेट्रो हॉस्पिटल में बिहार के दूसरे और उत्तर बिहार के पहले स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया है। इस अवसर पर सबसे पहले दरभंगा शहर के एक व्यक्ति को स्पुतनिक टीका लगाया गया। मेट्रो हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर रोही यास्मीन ने कहा कि यहां 1200 रुपए में वैक्सीन का पहला डोज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट बेहद कम है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लगवाने पर सर दर्द, बदन दर्द और बुखार जैसी शिकायतें मिलती थी, लेकिन स्पुतनिक वी में इस तरह की शिकायतें नहीं के बराबर मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वी टीका कोरोना से 90% से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता देता है। बड़ी खबर, इसी सप्ताह आएगा 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन। 12 दिसंबर को होगी पीटी। 365 से बढ़ाकर 503 की गई रिक्तियों की संख्या। जी हां, 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई है। आयोग को नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम के 88 पद हो गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग से 133 ग्रामीण विकास पदाधिकारी की रिक्तियां प्राप्त हुई है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि प्राप्त रिक्तियों में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पद भी शामिल है। एक सप्ताह के अंदर 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकल जाएगा। सूत्रों की माने तो अधिक संभावना इसके बुधवार तक निकल जाने की है। साथ ही आपको बता दें कि 12 दिसंबर प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि है, जिसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को मुजफ्फरपुर में हुई महापंचायत में भाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा। किसान अपने दम पर यहां लड़ाई जीतेंगे, कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन होगा। आपको बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में हुई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों के किसान पहुंचे। इनमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की संख्या अधिक रही है। बिहार में होगी बंपर भर्ती। 45,000 प्रिंसिपल व हेड टीचर नियुक्त होंगे, नीतीश कैबिनेट की। जी हां, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधान अध्यापक के पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग जल्द उक्त 45,852 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी।
पटना जंक्शन के पास बनेगा बिहार का सबसे बड़ा मॉल। समस्तीपुर दरभंगा गया में टूटेगी रेलवे कॉलोनी। जहां पटना जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में बनी कॉलोनी के स्थान पर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सह आवासीय परिसर बनाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्य रेल व रेल भूमि विकास अथॉरिटी के बीच समझौता हो गया है। RLDA ने टेंडर निकाल दिया है। जो भी कंपनी इसे विकसित करने का टेंडर लेगी उसे 3 साल में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। 5514 वर्ग मीटर में 3 व्यावसायिक सह आवास कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। वहीं पटना जंक्शन के बाद दानापुर स्टेशन रेलवे कॉलोनी, समस्तीपुर दरभंगा गया व धनबाद स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनियों को तोड़कर कर्मचारियों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना है। बड़ी खबर, हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, बिहार के शहरों में ठप रही सफाई, सड़कों पर पसरा कूड़ा। जी हां, बिहार के ज्यादातर शहरे और नगर निकायों में मंगलवार को सफाई ठप रही। राज्य के सभी नगर निकायों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। दैनिक मजदूर के नियमितीकरण, ग्रुप घ के पदों को पुनर्जीवित करने सहित 12 मांगों को लेकर राज्य के नगर निकायों के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांगों का समर्थन करते हुए संविदा पर कार्यरत अन्य कर्मी भी हड़ताल पर है। और बिहार के ब्राह्मणों ने कहा कि हमें भी आरक्षण दो, गरीबी के कारण जीना मुश्किल है। जी हां, बिहार के ब्राह्मणों ने सरकार से आरक्षण मांगा है। ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल कल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिला। डिप्टी सीएम से कहा कि गरीबी के कारण बिहार में ब्राह्मण जाति के 3/4 लोगों का जीना मुश्किल है, उन्हें आरक्षण दीजिए वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल देश के कुछ राज्यों के ब्राह्मण आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मांग उठी है, गुजरात और महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने भी आरक्षण मांगा है। अब बिहार के ब्राह्मणों ने मुहिम शुरू की है। बिहार के ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण से अलग रखा गया, लेकिन उन्हें भी जीने का अधिकार है, लिहाजा जिंदा रहने का बंदोबस्त सरकार करे। बड़ी खबर, बिहार में किसानों को मुफ्त में उर्वरक देगी सरकार। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर से होगी शुरुआत। जी, बिहार में धान के पुआल को उच्च तापमान पर जलाकर बायोचार उर्वरक बनाया जाएगा। यह मिट्टी में कार्बन की कमी को दूर करता है, लिहाजा इसे खेतों में डालने से उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। बहरहाल किसानों को यह उर्वरक मुफ्त में दिया जाएगा। बायोचार उत्पादन के लिए कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्रों में भट्टी लगाएगा और किसानों से पुआल की खरीदी करेगा। जलवायु अनुकूल खेती के तहत बायोचार के उत्पादन की योजना बनाई गई है। इस उपकरण में पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। दरअसल पुआल जलाने से उत्सर्जित होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जबकि बायोचार के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है। योजना की शुरुआत आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला से होगी। बिहार के सभी जिलों में मिट्टी में कार्बन की कमी है, लिहाजा धीरे धीरे सभी जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। आज के लिए आपका सवाल, आपके अनुसार इस बार के पंचायत चुनाव में आप किन मुद्दों पर अपने मुखिया को चुनने वाले हैं? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।